हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहित। हम कुछ दिन पहले एक हनुमान मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मैंने बोला था कि उसकी पूजा नहीं होती और उस मंदिर में जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। बट गाइस, जब आप किसी को नॉलेज देते हो तो वो सच नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने बोला था कि हम जाएंगे और पता करेंगे क्या ये सच है या नहीं है सच, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, जिस बंदे ने मुझे बारे में बताया था उस मंदिर के बारे में कि ये ऐसा मंदिर है वैसा मंदिर है, जब हमने उस मंदिर में जाके देखा तो उस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मंदिर खंडर था, और जब कोई चीज़ खंडर होती है तो उसमें सांप बिच्छुओं का डर रहता है गाइस। तो मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है, दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति है, मंदिर पूरा खंडर है। बस मंदिर के अंदर लाल कलर की मैटिंग बिछी है और मंदिर पे वहाँ के लोग, आसपास के लोग पूजा करते हैं, मतलब दिए लगाते हैं। अगरबत्ती के साइन तो मुझे मिले नहीं, बट हों तो मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, बट मंदिर में पूजा होती है। और हाँ, जब आप मंदिर के अंदर जाओ तो जूते वगैरह उतार देना, क्योंकि वो पुराना मंदिर है। काफ़ी लोग ऐसे ही देखने के लिए चले जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि यार जूते पहने हैं क्या पहने। तो मैंने उसे देखा था, तो मैंने जूते वगैरह उतार के अंदर से, बस मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि वो किसी और की संपत्ति है। अगर हम किसी और की संपत्ति पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी परमिशन लेना ज़रूरी होता है, बट वो परमिशन हमारे पास नहीं थी। आप लोग भी जा सकते हो उस मंदिर में देखने। मैं मंदिर का एड्रेस बताता हूँ, लक्ष्मीगंज चौराहे से राइट हैंड की साइड जाओगे तो एक पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल पंप के जस्ट बगल से वो ही मंदिर है। वो मंदिर है तो आप उसके अंदर जा सकते हो, बगल में बाहर चाय वाला है। तो उस बंदे ने मुझे सारी सही नॉलेज दी कि मंदिर में पूजा होती है, और मैंने उससे पूछा क्या हम इस मंदिर में जा सकते हो, तो उसने बोला हाँ। तो भाई, जिस बंदे ने मुझे गलत नॉलेज दी कि उसमें ऐसा है वैसा है, भूत है पलीत है, भाई सब चूतिया पता। वो एक चूतिया था जो गलत नॉलेज दे रहा था और आम लोगों को गुमराह कर रहा था। हालांकि वो एक जान पहचान का बंदा है, बट मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि क्या फ़ायदा यार, हम यहाँ पे कोई गलत चीज़ें बताने नहीं आए। हमारा काम है रियल फैक्ट बताना। अगर हमारा चैनल पे रियल नहीं चलेगा तो फिर ये चैनल फेक है। इसलिए गाइस, हमारा चैनल हम सिर्फ सही बताते हैं, आप लोग भी उस मंदिर में जा सकते हो। हाँ, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ संभल के जाना, क्योंकि उसमें सांप बिच्छू का डर है, क्योंकि वो पुराना मंदिर है गाइस। तो आप लोग वहाँ जाएँ, मंदिर के दर्शन करें, और सभी लोगों से बोले कि वहाँ पे जाएँ पूजा करें, तो जिससे काफ़ी लोग जाएंगे तो उस मंदिर का देख रेख और वहाँ की प्रोटेक्शन वगैरह सब अच्छे से हो सकती है, अच्छे से बन सकता है मंदिर। जिसका मंदिर है वो शायद आके देखे तो वो मंदिर दोबारा किसे बन सकता है गाइस। बहुत बढ़िया मंदिर, पुराना है इसलिए वो पुराने स्ट्रक्चर में वहीं पे बना हुआ है, बस टूटा फूटा है काफ़ी, में टायर वायर पड़े हैं इधर उधर, काफ़ी चीज़ें कबाड़ टाइप की पड़ी हैं। बट मंदिर गया था, बहुत अच्छा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो आप भी जाइए। और मंदिर में ऐसा कुछ भी भूत भूत नहीं है, नौटंकी चलती है। लोग बोलते हैं किसी के बारे में, भाई किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल रहे, रियल आप लोग देखो। या फिर जिस बंदे से मैंने बोली थी, जो बंदा मुझसे बोल रहा था, तो मैंने उससे बोला था कि रात में मेरे साथ चल, बट जब आप किसी को बोलते हो तो आप उसके साथ जाने की दम रखो भाई, या फिर उसको सपोर्ट करने की दम रखो। हाँ भाई सच है, ऐसे बोल को दो हाँ भाई सच है प्रूफ के साथ, जैसे मैं बोल देता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूँगा जिसको भी उस मंदिर पे जाना है तो आप लोग जा सकते हो। ग्वालियर में ही है वो मंदिर। एंड थैंक यू गाइस, सिर्फ हमारा वो मंदिर का जो टॉपिक था वीडियो बनाने का, हमने उधर वीडियो नहीं बनाया, बट हम उस मंदिर के अंदर गए। आप भी जा सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर करो, और कमेंट करना। अगर किसी को एड्रेस नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैडी मिनाटी। लव यू।